विजय धवन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकेबी मीडिया में एक बार फिर से। आज के इस वीडियो में बात करेंगे पिछले हफ्ते के रिलीज हुई सुपरस्टार अक्षय कुमार के सम्राट पृथ्वीराज, कमल हसन के विक्रम, वही आदिवी सेस की मेजर के शुरुआती 11 दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, और आपको बताएंगे इन तीनों ही फिल्मों ने दुनिया भर से कितने करोड़ की कमाई की। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो सबसे पहले अगर बात करें फिल्म मेजर के बारे में, जिस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए आज कंप्लीट हो चुके हैं 11 दिन, लेकिन फिल्म के जो शुरुआती 10 दिनों के ऑफिशियल कलेक्शन है उसके रिपोर्ट आ चुकी है, और फिल्म ने शुरुआती 10 दिनों में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से ग्रोस कलेक्शन 28 करोड़ 15 लाख रुपए का किया, वही कर्नाटका से 4 करोड़ रुपए, तो नॉर्थ इंडिया से हिंदी वर्जन में 11 करोड़ 20 लाख रुपए, वही रेस्ट ऑफ इंडिया से 2 करोड़ रुपए, वही 10 दिनों के अंदर फिल्म का ओवरसीज ग्रोस कलेक्शन 12 करोड़ 85 लाख रुपए रहा। यानी कि दोस्तों शुरुआती 10 दिनों में मेजर का जो वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन है वो रहा 58 करोड़ 20 लाख रुपए का। वही दोस्तों ये फिल्म अपने 11वें दिन इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 1 करोड़ के रेंज में कर रही है। बताना चाहूंगा दोस्तों फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो चुकी है। लेकिन दोस्तों बात करें फिल्म विक्रम के बारे में, तो विक्रम फिल्म ने दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग ली थी 32 करोड़ 5 लाख रुपए की, और फिल्म ने पहले हफ्ते में ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 143 करोड़ 95 लाख रुपए कमाए थे। वही दोस्तों फिल्म ने अपने दूसरे हफ्ते में 8वें दिन इंडिया नेट कलेक्शन किया 7 करोड़ 95 लाख रुपए, 9वें दिन 13 करोड़ 50 लाख रुपए, 10वें दिन 14 करोड़ 80 लाख रुपए। यानी कि 10 दिनों में फिल्म का इंडिया से नेट कलेक्शन 180 करोड़ 20 लाख रुपए का हो चुका था, वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन 210 करोड़ 90 लाख रुपए, और फिल्म ने 10 दिनों में और ग्रोस कलेक्शन 97 करोड़ 10 लाख रुपए का कर लिया था। यानी कि 10 दिनों में इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन 308 करोड़ रुपए का हो चुका था। वही दोस्तों ये फिल्म अपने 11वें दिन इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 6 करोड़ का कर रही है। बताना चाहूंगा दोस्तों विक्रम फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। पर अब अगर बात करें सुपरस्टार अक्षय कुमार के फिल्म सम्राट पृथ्वीराज के बारे में, तो दोस्तों सम्राट पृथ्वीराज ने अपने पहले दिन 10 करोड़ 70 लाख रुपए से ओपनिंग ली थी, और फिल्म ने पहले हफ्ते में यानी कि 7 दिनों में 55 करोड़ 5 लाख रुपए कमाए थे। वही फिल्म ने दूसरे हफ्ते में 8वें दिन कमाए 1 करोड़ 50 लाख रुपए, 9वें दिन 2 करोड़ 50 लाख रुपए, तो 10वें दिन 3 करोड़ 25 लाख रुपए। यानी कि 10 दिनों में फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 62 करोड़ 30 लाख रुपए का हो चुका था। वही दोस्तों ये फिल्म अपने 11वें दिन इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है 1 करोड़ 50 लाख रुपए का। इसी के साथ दोस्तों शुरुआती 11 दिनों में पृथ्वीराज फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 63 करोड़ 80 लाख रुपए का हो रहा है, वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन 83 करोड़ रुपए। बताना चाहूंगा दोस्तों फिल्म का वर्ल्ड वाइड एस्टिमेट ग्रोस कलेक्शन 98 करोड़ रुपए का हो चुका है। दोस्तों सम्राट पृथ्वीराज बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो चुकी है।